अभी तुम देखो। पप्पू इसमें हंसने की क्या बात है, मुझे चोट लग जाती तो कितने कांटे हैं इसमें। चलो पप्पू अब घर चलें। आजकल बहुत मेहनत कर रहा है, इसी तरह अभ्यास करता रहा तो एक दिन बहुत अच्छा शिकारी बनेगा। मोगली हमेशा शिकार के नए नए तरीके ढूंढता रहता है, हमेशा कामयाब नहीं होता पर कभी निराश भी नहीं होता। और होगा भी नहीं, आखिर वो मेरा चेला है, मैं उसे अच्छी तरह सिखा चुका हूँ, कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं। बार बार कोशिश करते रहो, मैंने यही सिखाया है उसे। मुझे पता है तुमने भी जंगल के बारे में मोगली को बहुत कुछ सिखाया है, पर बहुत दिनों से मैंने उसे कुछ नया सिखाया नहीं है। कहाँ है वो अब, बहुत दिनों से मैं उसे मिला भी नहीं, क्या करता है वो आजकल। वो वैसे तो ठीक है पर एक चिंता है मुझे। चिंता किस बात की। कुछ प्यार व्यार का चक्कर है। क्या प्यार। भारी पड़ सकता है। हाँ सोचता हूँ कहीं मोगली इसमें न फंस जाए। हाँ हाँ तो हमारे मोगली को प्यार हो गया है। अरे खुद देख लो। हाँ बहुत खूब। चुप रहो। कोई मछली नहीं पकड़ी मोगली अभी तो नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है यहाँ मछली जरूर फंसेगी। खैर मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा पक्षी लाई हूँ। पक्षी मेरे लिए। मैं अपने लिए और पकड़ लूंगी। अब मैं तुमसे क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शुक्रिया लीला। शुक्रिया किस बात का, तुम्हें ये अच्छा लगा मुझे इसी में खुशी है। देखो है ना प्यार का चक्कर। है तो सही पर दुर्भाग्यवश ये एक तरफा प्यार है। लीला मोगली का प्यार पाना चाहती है लेकिन मोगली इस बात से बेखबर है। एक तरफा प्यार, अंत क्या होगा इसका। कुछ नहीं होगा, अभी तो ये एक तरफा प्यार है, अगर दो तरफा भी होता ना तो भी कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों कहते हो। सीधी सी बात है भालू, मोगली एक मनुष्य है और लीला एक भेड़िया, क्या तुम्हें ये संबंध अजीब नहीं लगता। कहते तो ठीक हो, है तो ये अजीब। दुआ करो किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। अच्छा समय गुजरा लीला, और साथ ही साथ रात के खाने का बंदोबस्त भी हो गया। वाह क्या शिकार मिला है। मुझे भी बहुत मजा आया। जानते हो मोगली आज कितने दिनों के बाद हम साथ साथ खेले हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता लीला, लेकिन एक बात की खुशी है हम फिर से दोस्त तो बन गए। चलता हूँ। अच्छा कल फिर मिलेंगे मोगली। हाँ हाँ जरूर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना पप्पू।
लीला। अरे पकड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, सिर्फ तुम्हें लीला। मुझे क्यों? अगर तुमने सरपंच को आज देखा होता ना, तो ऐसी बातें नहीं पूछती। जानती हो उसकी तबीयत कितनी खराब है लीला? आजकल तुम्हें उसके पास रहना चाहिए, उसे तुम्हारी जरूरत है। अच्छा, क्या उसने कुछ कहा? कहा तो नहीं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो पकड़ू। मेरे दादाजी उम्र के लिहाज से बिल्कुल तंदुरुस्त है, और अगर वो नहीं भी है तो उनकी देखभाल मुझे कैसी करनी चाहिए, इससे तुम्हें क्या मतलब? ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, लेकिन दिन भर मोगली के पीछे चक्कर काटने से अच्छा तुम दादाजी की देखभाल करो। क्या क्या कहा तुमने पकड़ो? तुमने एक बार भी मुझे मोगली के पीछे जाते हुए देखा है? बोलो। ओहो, तुम समझती क्यों नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस बहुत हो गया, तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं। लेकिन लीला, मैं ये कहना चाहता था कि मेरा मतलब, मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ, और मैं तुम्हें तुम मुझे चाहने लगे हो, कितनी अच्छी बात है। मेरे ख्याल से हम दोनों के बीच अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। आइंदा ऐसी उल्टी सीधी बातें मेरे सामने मत करना। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, और ना ही कभी होगा। आई बात समझ में? लीला, कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है। सूरज डूबता है तो चांद निकलता है, सारे जंगल में अंधेरा छा जाता है, हम सब सो जाते हैं, उठते हैं तो फिर सब कुछ वैसा होता है। ये क्या बोले जा रहे हो पप्पू? मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ, पेट भर खाओ और आराम से सो जाओ। हाँ ये ठीक है, पर ये भी कोई जीना है। पप्पू, तुम्हारी गुफा तो काफी समय से आग के पेड़ के नीचे है ना? हाँ। पप्पू, तुम अपनी गुफा छोड़ दो तो कैसा रहेगा? मेरी गुफा में तुम आराम से रह सकते हो, और अगर हम दोनों साथ रहे हैं तो हमें अकेलापन भी नहीं लगेगा। बहुत अच्छे, हम दोनों साथ रहेंगे तो खूब मजे करेंगे मोगली। अच्छा तो बात पक्की, आज से हम दोनों एक साथ रहेंगे भाई भाई की तरह, और सब कुछ मिल बांट के खाएंगे। तो आज से हम भाई भाई हैं? हाँ, कितना अच्छा घर है। अरे रुको तो सही, मैं भी आ रहा हूँ। हम भाई हैं। खाओ बच्चे, पेट भर के खाओ। खाओ इसे, बहुत अच्छा है। मुझे अब जल्दी ही अपने गांव जाना होगा, इतने समय बाहर में पहले कभी नहीं रहा। चलो आओ कुछ बातें करें। याद है मैं तुम्हें अपने गांव के बारे में बता रहा था? कल तुम्हें मेरे साथ गांव चलना होगा।
आपके लिए खाना लाई हूँ दादाजी। क्या ये तुमने पकड़ा है? हाँ, मुझे सुबह सुबह शिकार करना अच्छा लगता है जब सब सो रहे होते हैं। तुम भूल गए लीला, हम भेड़िये मिलकर शिकार करते हैं, अकेले नहीं। मुझसे भूल हो गई दादाजी, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, आपको दुखी करना नहीं चाहती। आप हमेशा कहते हो ना, जितना समय खुशी से बीत जाए वही अच्छा है। आज मैं आपसे वही बात दोहराती हूँ। कितने दिन हो गए आपको इस गुफा से बाहर निकले? हाँ, तुम ठीक कहती हो लीला, लेकिन मुझ में अब वो ताकत नहीं जो जवानी के दिनों में थी। बस इसी उम्मीद में जी रहा हूँ कि कोई जल्द ही सरपंच का पद संभालने के योग्य हो जाए। नहीं दादाजी, ऐसा मत कहिए, अभी तो हमें आपकी बहुत जरूरत है। जाने दो, अब तुम्हारे भविष्य के बारे में बातें करते हैं। मेरे भविष्य के बारे में? कल पकड़ू मिला था मुझे, वो तुम्हें बहुत चाहता है बेटी, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या, लेकिन मैं तो उसे बिल्कुल नहीं चाहती। ठीक है, मान लेते हैं, अभी तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ नहीं। लेकिन लीला, पकड़ू होशियार, समझदार और अच्छा भेड़िया है, उसके नाम पर विचार करने में कोई हर्ज नहीं। मुझे तो वो पागल लगता है। लीला मेरी मानो तो पकड़ू से समझौता कर लो, नहीं तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगी। तो मैं क्या करूँ, उसे खुद सोचना चाहिए था। यकीन मानो, पकड़ू बहुत अच्छा भेड़िया है लीला, उसका दिल बहुत बड़ा है, मुझे विश्वास है वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। हाँ। सुनो तो। ओ लीला, इसका मतलब पकड़ू मेरे पीछे दादाजी से मिलने गया था। ये तो बहुत अच्छा निशाना था मोगली। मजा आ गया मोगली। तुम इधर आओ पप्पू, मोगली को अभ्यास करने दो, तुम अगर उसके साथ रहोगे तो उसका ध्यान भटक जाएगा। क्या, मैं तो मोगली का उत्साह बढ़ा रहा हूँ ताकि वो अच्छा शिकारी बन सके। सरियल, क्या क्या कहा तुमने मुझे? हाँ कुछ नहीं, अच्छा मौसम है। क्या पंजा है। मोगली, क्या तुमने लीला को देखा है कहीं? मैंने सोचा तुम्हारे साथ होगी। आज तो नहीं, कल मिली थी, बड़े प्यार से बातें कर रही थी और सारा दिन हमारे साथ खेलती रही, है ना मोगली? कल वो बहुत खुश थी, मुझे ऐसा लगा जैसे उसने अब मुझे झुंड का सदस्य माना है, लेकिन जब तक वो मेरे साथ थी मुझे घबराहट हो रही थी। बिल्कुल ऐसा होता है मोगली, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम उसे दूर ही रहो। दूर रहूं? क्या मतलब? जरा सावधान रहना उससे। Thank you.
आप क्या होगा पकड़ू, चट्टान पे चढ़ जाओ जल्दी। हम और पीछे नहीं जा सकते। मैं उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ, तुम मौका देकर भाग जाना। पकड़ू, पकड़ू, लीला तुम भागो, जल्दी भाग जाओ। पकड़ू, अपने पीछे देखो। पकड़ू, भागो लीला। ओह, अब क्या करूं? भालू, तुम ठीक तो हो पकड़ू? हाँ, थोड़ी सी खरोचे हैं। शुक्रिया भालू, अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं मेरा और लीला का क्या हाल होता। मुझे खुशी है बच्चों, जैसे ही मैंने भापा कि मगरमच्छों ने तुम्हारे लिए जाल बिछा रखा है, मैं फौरन तुम्हारी मदद के लिए भागा। मुझे खुशी है तुम सही सलामत हो। तुमने बचा लिया पकड़ू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं लीला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। तुम बहुत अच्छे हो, मुझे खुशी है तुमने सही समय पर मेरी सहायता की। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ लीला, मैं ठीक हूँ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। तुम सबके लिए बहुत बुरी खबर है। बगीरा, मोगली, ये आराम से सोने का समय नहीं है। कहो चील, क्या खबर लाए हो? वो बदमाश बहुत जल्दी यहाँ आने वाला है, अब उठ जाओ। बदमाश कौन? उसका नाम जग्गू है, वो अपने साथियों के साथ इधर आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें यकीन है कि वो जग्गू है, कोई दूसरा भेड़िया नहीं? मैंने खुद देखा है बगीरा, उन्होंने मनुष्यों के घरों पर हमला किया और मनुष्यों ने उन्हें मार मार कर भगा दिया। ये बात है। ये जग्गू बहुत खतरनाक है क्या? हाँ, वो बहुत बदमाश भेड़िया है, तुम्हारे झुंड से भी उसे निकाल दिया गया था। अब वो कोई भी बुरा काम करने से नहीं चूकता, कानून तोड़ना उसके लिए मामूली बात है। हाँ, क्या भेड़िया ऐसा कर सकता है? हर भेड़िया नहीं, हम जग्गू की बात कर रहे हैं मोगली। काफी अरसा पहले वो यही रहता था, उस वक्त वो इतना शैतान नहीं था। शेर खान के बहकावे में आकर उसने बेवजह सबको परेशान करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने कई बड़े बड़े अपराध किए, आखिर हमने उसे निकाल दिया। अपने साथ वो उन भेड़ियों को भी ले गया जो उसके साथ छोटे मोटे अपराध करते रहते थे। वो बदमाश इस तरफ आ रहा है, आप समझा ये खबर इतनी खतरनाक क्यों है? खैर, समझे तो सही, अब जल्दी कुछ करो, वो बहुत जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं। बड़ी गंभीर समस्या है, जग्गू और उसके साथी बड़े खतरनाक हैं, वो जरूर हमारे इलाके में शिकार करेंगे और पूरा का पूरा जंगल बर्बाद कर देंगे। अगर हमने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की तो हम नहीं बचेंगे। मोगली, तुम अभी जाओ और सरपंच से बात करके सभा की तैयारी करो, जल्दी। ठीक है।